लिटिगेशन के केस में एज आई हैव टोल्ड यू कि 6-12 गिव्स लिटिगेशन, ठीक है, लेकिन डिफरेंट टाइप के प्लैनेट के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. मैंने जो भी पॉसिबल हो सकते हैं वो लिख दिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. जैसे 8 हो सिर्फ प्लैनेट में, आप देखो 6-12 में 8 जो सिर्फ नक्षत्र में, इस तरह से 12 प्लैनेट में, 12 सब 6 प्लैनेट में. तो ऐसे जैसे 6-12 है, ऐसा जो प्लैनेट अकेला अकेला, दिस डजंट गिव एनी लिटिगेशन. सिर्फ 6 देख के आप बोलो जी लिटिगेशन हो रहा है या 8 बोल के, ऐसा नहीं, ठीक है. इस तरह से हो गया सर, 8-8, 12-12, 12-12, ऐसे ये भी लिटिगेशन नहीं हुआ. आप मेरी से ऐसे कनेक्ट कर सकते हो कि इसका सिर्फ 7 है, सिर्फ 2 है, वो प्लैनेट भी है लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. जिसमें रिपीट हो गया वो भी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन जो डिफरेंट हो जाएंगे वो स्ट्रांगर हो जाएंगे. आप उसको उस तरह से ले सकते. और लिटिगेशन में ये ए और बी वाले, ये तो लिटिगेशन नहीं करा सकते. ये जो ये करा सकता है कि जैसे चलान हो गया, वो लिटिगेशन आप बोलो तो वो ठीक है, रेड लाइट क्रॉस कर दी चलान हो गया, वो मतलब वही के वही निपट जाएगा, वो कोई लंबी बात नहीं होगी. ये जो होता है जैसे 6-8, 8-12, 8-12, 8-12, ये मामूली सी लिटिगेशन बनाता है. हो सकता है आपको 4-5 बार, 2-4 बार कोर्ट जाना, लेकिन ये भी निपट जाएगा, कोई मेजर इशू नहीं है. लेकिन जो ऐसे वाले हैं, ये है मेन जो लिटिगेशन, इसको हम कहते हैं हिंदुस्तानी कानून, दादा खरीदे पोता बनते. तो जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं ना, अभी क्लियर है, जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं दैट विल बी मोर पावरफुल. सब लड़ वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ये तो ऑब्वियसली बात है, प्लैनेट से नक्षत्र वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर है. और इसका एंटी कम्बिनेशन नहीं है, जैसे 10-11 है तो आप उसको एंटी कम्बिनेशन मत मान लो. वो भी वो अपना काम करेगा, वो उसमें जितवा भी देगा. और ये जैसे होंगे, जैसे ई वाला जो है, ई जो है प्लैनेट और नक्षत्र, बोथ आर सिग्निफाइंग लिटिगेशन. अब पूरा जो कम्बिनेशन 6-12 होगा, दैट विल बी स्ट्रॉन्गर. सो E2 will be stronger than E1. Similarly, E3 will be more stronger than... Sir, sign उल्टा रहेगा. वहाँ उल्टा होगा, sir, sorry. You're right. E2 will be stronger than E1, E3 will be more stronger, क्योंकि इसमें नक्षत्र और सब लॉर्ड है. उसमें प्लेनेट और नक्षत्र है, इसमें नक्षत्र सब लॉर्ड है, और दो दो बार है. इस तरह से प्लेनेट भी है, नक्षत्र भी है, सब लॉर्ड भी है, तो E4 विल बी इवन मोर स्ट्रॉन्गर. तो मोटा मोटा इतना ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है. तो जो डी और ई है, ये जो हो गया जिसको हम एक्चुअली में जिसको लिटिगेशन कह सकते हैं, जिसमें आदमी जब लिटिगेशन में चला गया तो फिर उसको कई साल बहुत खिंचता चला जाएगा. इसको हम मैरिज ऐसे भी कर लेते, जैसे 7 अकेला है या 2 अकेला है, 11 पॉजिटिव होता है, रिपीट हो जाए 7-7, 11-11, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा. जहाँ डिफरेंट हो जाएंगे वो स्ट्रांग है, जब हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे वो स्ट्रांग है, या प्लैनेट नक्षत्र सब लॉट तीनों ही बोलने लग जाए या 2 बोलने वो पोर हो जाएगा. तो थर्ड वाला क्या हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल? हाँ, थर्ड वाला जो हो गया, ई वाला जो हो गया, वो हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल भी है. तो और सारी तरफ से ही है, जिधर से घुसोगे वहां से निकलेगा, चारों तरफ से निकले जाओ भाई. सर, तो उसको हम लोग इस तरह से ले सकते हैं क्या कि अगर अपने को डीबीए चूज करना है मैरिज के लिए, और ऐसे ही है कहीं पे 2 है कहीं पे ऐसे हो ना, तो फिर 2-7-11 तीनों आने चाहिए. इसमें भी ये होगा, दशा ये होगी, मुक्ति वो होगी, अंतर ये होगी, इसमें तो ऐसे होगा, ये तो होगा नहीं ना, मिक्स आएंगे ना, इसमें भी तो मिक्स ही आएंगे. अगर दशा ये है, मुक्ति ये है, अंतरा ये है, तो क्योंकि दशा बहुत मतलब नेगेटिव नहीं है तो बहुत लंबा नहीं खींचेगा. दशा इसी की होगी फिर ये बहुत लंबे खींचेगा. इस दशा में तो खत्म नहीं होना, मतलब इस टाइप से, ठीक है. तो इसमें हॉरोस्कोप लगा सकते हैं फिर, बता इसको समझने के लिए ना, क्योंकि वही है सारे ई डी सी 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 ऐसे दशा होती है, फिर इसमें भी मिक्स है, तो वो कैसे होगा वो देखिए, ठीक है.
रिकॉर्डिंग तो चालू है ना? हाँ बंद कर। अच्छा।